दोस्तों, भारत सरकार ने इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म में कुछ नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि 1 अगस्त से ही लागू हो जाएंगे। इस फैसले को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर ये चेंजेस क्या हैं, इन चेंजेस की ऐसी क्या जरूरत थी और आने वाले समय में ये सेना पर किस तरह का इम्पैक्ट डालेगा। और आज इन सभी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि ये फैसला क्या है। इस फैसले में सरकार ने अब ये कहा है कि ब्रिगेडियर या फिर उससे ऊपर के रैंक के सभी ऑफिसर्स को एक ही कॉमन यूनिफॉर्म पहनी होगी, जबकि बाकी सोल्जर्स और ऑफिसर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस समय सभी रेजिमेंट्स की यूनिफॉर्म में हमें कई फर्क नजर आते हैं, जो कि एक तरह से आपको ये सिग्नल भी देते हैं कि आखिर कौन से ऑफिसर कौन सी रेजिमेंट से हैं। कॉमन यूनिफॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें से पहला ये है बेरेट्स को लेकर। बेरेट्स वो कैप होती है जो आपने कई बार ऑफिसर्स को पहनते हुए देखा होगा। इस समय इन्फेंट्री और मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स डार्क ग्रीन बेरेट्स पहनते हैं, जबकि जो आर्मर्ड कॉप्स हैं उनके लिए ब्लैक बेरेट्स हैं। आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, एयर डिफेंस, EME और कुछ दूसरी कॉप्स इस समय डार्क ब्लू बेरेट्स पहनती हैं। आर्मी एविएशन कॉप्स को देखें तो वो ग्रे बेरेट्स पहनते हैं और पैराशूट रेजिमेंट के ऑफिसर्स मैरून बेरेट्स पहनते हैं। इसके अलावा अगर आप सेरेमोनियल हेडगियर को देखें तो उसमें भी कई तरह के डिफरेंसेस आपको साफ नजर आएंगे, जैसे कि ज्यादातर रेजिमेंट्स इस समय पीक कैप्स पहनती हैं, जो आपने पुलिस और नेवी के ऑफिसर्स को भी पहने हुए देखा होगा। लेकिन अगर हम गोरखा राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट की बात करें तो इन रेजिमेंट्स के ऑफिसर्स एक अलग तरह का हेड पहनते हैं, जिसे गोरखा हेड भी कहा जाता है। लेकिन अब सभी सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को एक ही रंग की बैरेट को इस्तेमाल करना होगा। दूसरा बड़ा चेंज लैंड यार्ड्स को लेकर है, जो कि वो रोप्स होती हैं जो आपको इन यूनिफॉर्म्स के साथ दिख जाती है। अब कोई भी सीनियर ऑफिसर अपने रेजिमेंट या आर्म स्पेसिफिक लैंड यार्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ अब रेजिमेंट स्पेसिफिक बेल्ट बकल्स को भी रिप्लेस करके एक ही स्टैंडर्डाइज बेल्ट बकल को इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ आर्म्स रेजिमेंट के ऑफिसर्स के शूज भी ब्राउन होते थे, जो कि अब पॉसिबली नहीं है। और साथ ही अब सभी सोल्जर्स रैंक्स बैजेस को भी गोल्डन कलर का होना होगा, जबकि पहले गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और गोरखा राइफल्स के शोल्डर बैजेस ब्लैक होते थे। अब सवाल ये है कि ये चेंजेस आखिर क्यों किए गए। इन चेंजेस के पीछे सरकार और आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने काफी सोचा है और ऑफिशियली उनका ये कहना है कि ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स अपने रेजिमेंट के साथ नहीं बल्कि आर्मी हेडक्वार्टर में रहते हैं, क्योंकि रेजिमेंटल सर्विस को कॉलोनल रैंक तक ही माना जाता है, इसलिए उन्हें अलग से आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ताकि सभी ऑफिसर्स के बीच की दूरी को कम किया जा सके और उनके रेजिमेंटल फर्क को मिटाया जा सके, इसलिए फैसला लिया गया। ये भी एक वजह है कि कॉलोनल रैंक या उससे नीचे के ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पर ये चेंजेस अप्लाई नहीं होते, क्योंकि उनकी शान उनकी रेजिमेंट या यूनिट से ही है और इसी से उनके बीच भाईचारे की भावना पैदा होती है, जिस वजह से उनकी यूनिफॉर्म को नहीं छेड़ा गया है, बल्कि उनके लिए वही यूनिफॉर्म होगी जो पिछले साल जनवरी 2022 में अनाउंस की गई थी। ये फैसला इस लिहाज से भी अच्छा है कि ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स को इस तरह के ट्रूप्स कमांड करने पड़ते हैं, जिसमें मिक्स्ड रेजिमेंट से लोग आते हैं, और इसी वजह से ये नई यूनिफॉर्म न्यूट्रल होने के कारण उन्हें यूनिट के बीच ट्रस्ट पैदा करने में भी मदद देगी। इस फैसले के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें से एक इंटरेस्टिंग टिप्पणी लेफ्टिनेंट जनरल HS पांग ने की है। द प्रिंट में एक आर्टिकल लिखते हुए उन्होंने कहा कि ये नया ड्रेस कोड सिर्फ एक मेकअप है। जनरल पनाग का कहना है कि ये नया ड्रेस कोड इसलिए लाया गया कि सीनियर ऑफिसर्स के बीच में एक कोहेंशन बढ़े और साथ ही सर्विस मैटर्स पर सब एक कॉमन अप्रोच लेकर चलें। लेकिन साथ ही जनरल पनाग ये भी कहते हैं कि जहां एक तरफ इस फैसले के पीछे सरकार का इरादा तो अच्छा है, लेकिन इससे जो असली प्रॉब्लम है वो एड्रेस नहीं हो रही है। जनरल पनाग के मुताबिक सरकार का ये फैसला इनडायरेक्टली ये दर्शाता है कि जो करंट सिस्टम है उसमें सीनियर ऑफिसर्स अपनी रेजिमेंट या फिर कॉप से अलग नहीं हो पा रहे हैं और एक तरह से अपने ही रेजिमेंट के ऑफिसर्स को प्रमोट करते हैं या फिर फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो मिलिट्री के स्पिरिट के अगेंस्ट है। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि एक फैसला ये भी लिया गया है कि अब सीनियर कमांडर्स को ऑपरेशनल या फिर काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज में 12 से 15 नहीं बल्कि 18 महीने का टेन्योर दिया जाएगा। वो कहते हैं कि इस डिसीजन का भी कारण आर्मी के प्रमोशंस में आए फ्लॉस है, क्योंकि 12 से 15 महीने के टेन्योर का मतलब है कि फिर सीनियर लेवल पर कमांड अपॉइंटमेंट्स के लिए ज्यादा वैकेंसीज आ जाती हैं, जिस वजह से बहुत सारे ऑफिसर्स को प्रमोट किया जाता है
और टेन्योर को बढ़ाने से इस नंबर से थोड़ी गिरावट आएगी। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि आर्मी में फेवरेटिज्म भी बहुत खुले तौर पर चलता है और ये सिर्फ प्रमोशन तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी कमांडर्स को नियुक्त करने वाले कॉलेजियम भी इस तरह के फैसले लेता है क्योंकि यही कॉलेजियम सिलेक्शन बोर्ड्स के लिए जिम्मेदार होता है और ब्रिगेडियर से आगे के रैंक के प्रमोशंस को भी संभालता है। जनरल पनाग हमें इस आर्टिकल में ये भी बताते हैं कि जब ब्रिगेडियर रैंक के लिए वैकेंसी बेस्ड प्रमोशंस का प्लान अपनाया गया था तो उसने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जगह बढ़ा दिया था क्योंकि इससे सिर्फ इन्फेंट्री और आर्टिलरी को ही फायदा हो रहा था क्योंकि उन्हीं के पास सबसे ज्यादा कॉलोनल्स थे। आपको बता दें कि एक कॉलोनल 2 स्टार ऑफिसर होता है और फिर उसकी प्रमोशन ब्रिगेडियर के रूप में होती है जो कि एक 3 स्टार ऑफिसर होता है। अगर आपको पूरी आर्मी हायरार्की को लेकर ही अलग से वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन अगर वापस इस आर्टिकल पर लौटें तो वो बताते हैं कि वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन से ये नुकसान हुआ कि इन्फेंट्री और आर्टिलरी डिवीजन से तो बहुत सारे कॉलोनल्स प्रमोट होकर ब्रिगेडियर्स बन गए लेकिन बाकी डिवीजन्स पीछे रह गई। इसका सीधा सीधा असर आगे की सीनियर लीडरशिप पर भी पड़ता है क्योंकि अगर ज्यादातर ब्रिगेडियर्स एक ही डिवीजन में होंगे तो नेचुरली इन्हीं को प्रमोट करके आगे मेजर जनरल्स और बाकी बड़े पद मिलेंगे और एक अनइक्वल एडवांटेज इन्हें मिल जाएगा। यही वजह है कि इन सिस्टम्स के कारण लगातार 4 आर्मी चीफ्स इन 2 डिवीजन से ही हैं। इस तरह के फेवरिज्म का एक नुकसान ये भी है कि अब आर्मी ऑफिसर्स को न सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि कुछ सीनियर स्पेसिफिक ऑफिसर्स का भी वफादार रहना होगा और उनसे अच्छे संबंध रखने होंगे वरना ये उनकी करियर ग्रोथ में भी बड़ी रुकावट बन सकता है। इससे न सिर्फ आर्मी में इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है पर साथ ही ऑफिसर्स डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो एक तरह से हम देखें तो यूनिफॉर्म में चेंजेस करके आर्मी और सरकार ने एक सिंबॉलिक चेंजेस तो कर दिया है लेकिन क्या ये चेंज सिर्फ सिंबॉलिक ही रहेगा या फिर सेना की बाकी प्रैक्टिसेस में भी ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगी ये देखने लायक बात होगी। वैसे अगर पिछले कुछ वक्त की बात करें तो भारत सरकार ने आर्मी को लेकर कई ऐसे फैसले लिए हैं चाहे वो अग्निपथ स्कीम हो या फिर मिलिट्री कैंटोनमेंट्स को मिलिट्री स्टेशंस में कन्वर्ट करने का फैसला पर इन सभी चेंजेस से क्या रिजल्ट निकलेगा ये कोई नहीं जानता। अगर हम जनरल पनाग के उसी आर्टिकल की तरफ एक बार फिर लौटें तो इस आर्टिकल में उन्होंने ये भी कहा है कि रेजिमेंटल सिस्टम से आपसी भाईचारा बनाना काफी आसान है लेकिन इसके अलावा कुछ दूसरे प्रयास भी किए जा सकते हैं जैसे कि एक टेन्योर बेस्ड क्रॉस यूनिट मूवमेंट जिसमें एक सोल्जर को कुछ स्पेसिफिक समय तक एक रेजिमेंट में रखा जाएगा लेकिन फिर उसे दूसरे रेजिमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे होगा ये कि अलग अलग रेजिमेंट्स के सोल्जर्स आपस में कोऑर्डिनेट करना सीखेंगे और आज की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनमें हमें इस तरह के सोल्जर्स की जरूरत है जो कि रेजिमेंट्स और यूनिट से बड़ी फॉर्मेशंस बनाकर दुश्मन का मुकाबला कर सके। कुछ समय पहले ये खबरें भी आई थी कि अब इंडियन आर्मी एक थ्रेट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रही है। थ्रेट सिस्टम काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें आप आर्मी नेवी और एयरफोर्स की टुकड़ियों को साथ में लाकर एक स्पेसिफिक थ्रेट बनाते हैं जैसे कि नॉर्दर्न इलाकों के लिए नॉर्दर्न थिएटर और इसी तरह आगे भी। इस वक्त कई एडवांस मिलिट्रीज इसी सिस्टम को फॉलो करती हैं और भारत के जियोग्राफिकल और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी हमें इस सिस्टम की तरफ पुश कर रही है पर इसकी बात फिर कभी। आपको क्या लगता है कि सरकार ने यूनिफॉर्म को स्टैंडर्डाइज करके क्या सही फैसला लिया है? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।